हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की इंग्लिश की क्लास सिक्स की 17 वर्कशीट 6 सितंबर की डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम पोयम पढ़ेंगे अ हाउस अ होम का नेक्स्ट स्टेंजा। व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। होम क्या होता है? होम में लविंग फैमिली होती है जो कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती है। उसमें ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फादर्स होते हैं और मदर्स होते हैं, और ये अपने लिए कभी भी नहीं सोचते और ये स्वार्थी नहीं होते और बहुत ही अच्छे होती है होम। अब एंड शोइंग योर लव वंस, और अपना प्यार अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को दिखाते हैं और सबकी केयर करते हैं। तो इस तरह का फैमिली वाला हाउस जो कि लविंग फैमिली हो और उसमें सब एक दूसरे का ख्याल रखे, उसको कहा जाता है होम। अब होम की आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। किसकी? ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर हाउस। हाउस की बनानी है। तो हाउस कैसे होता है? हाउस ब्रिक्स से बना होता है। और किससे बना होता है? रूफ होती है, उसमें किचन होती है, विंडोज होती है। तो ये इस तरह से आप अपना हाउस बना सकते हैं। द वर्ड हाउस एंड होम डू नॉट मीन द सेम। अब हमें आगे कहा गया है जो हाउस और होम है वो सेम नहीं है। हाउस ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, ग्लास, डोर, विंडो, चिमनी, इन सब से बना होता है। बल्कि जो होम है ये एक बहुत अच्छी फैमिली से बना होता है। कैसी फैमिली? फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर की फैमिली से। और जिन लोगों में एक अच्छा अटैचमेंट होता है, एक प्यार होता है, एक केयरिंग होती है और एक शेयरिंग होती है। ये सारी चीज़ें जिस हाउस में होती है उसे होम कहा जाता है। अ होम इज मेड बाय होम किससे बना होता है? लव एंड केयर। A house has a roof. A home has father, mother and brothers and sisters. अब थर्ड क्वेश्चन। The best thing about my home is, मेरे होम में बेस्ट थिंग क्या है? All members love, polite and care each other. सभी मेंबर एक दूसरे को प्यार करते हैं, केयर करते हैं और हर चीज़ शेयर करते हैं। सो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।